दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक और ट्यूटोरियल लेकर आए हैं और इस ट्यूटोरियल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसे हमारे वेबसाइट के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट का एड्रेस है www.gyanamrittdl.com। तो अभी सबसे पहले ट्यूटोरियल को मैंने टैली में लगा रखा है और ये जो ट्यूटोरियल है ये करता क्या है, ये आपके डॉक्यूमेंट की एक्सपायरी को मेंटेन करता है। मतलब किसी भी तरह का आपका डॉक्यूमेंट हो, LIC हो, वीजा हो, पासपोर्ट हो, अदर डॉक्यूमेंट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये सभी की एक्सपायरी को मेंटेन करेगा। अब इसमें भी दो टेक्निक है, एक तो हो गया एक यूजर है और एक गिवर है। मतलब इसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इसे दो तरह से यूज कर सकता हूं। जैसे मेरी खुद की बाइक का इंश्योरेंस का पेपर है या LIC का पेपर है, या मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो हम दोनों व्यू से देखेंगे। पहले पहला व्यू, जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी का मैं एक यहाँ पर वाउचर बनाता हूँ, क्रिएट में मैंने पेमेंट किया, क्या किया तो मैंने कार इंश्योरेंस मैंने परचेज किया है और यहाँ पर इसे कार इंश्योरेंस को सेट करना होगा। तो यहाँ पर ये कार इंश्योरेंस हम लेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना है कि इंश्योरेंस टाइप भी आपको डिफाइन करना होगा। जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट एक्सपायरी मैनेजमेंट चलेंगे और डॉक्यूमेंट टाइप में चलेंगे। यहाँ पर हम एक डॉक्यूमेंट टाइप बना लेते हैं, इंश्योरेंस, ये करके हमने सेव किया। अभी हम वाउचर पे चलेंगे और ये मैंने यहाँ पर क्रिएट किया कार इंश्योरेंस और यहाँ पर एक्सपायरी हमें सेट करना है। अभी हम बताएंगे कि हमारा इंश्योरेंस के अंतर्गत आता है और आज की डेट है 5 मई। तो हम करते हैं कि 1 मई को ये हमारा इशू हुआ था और ये 21 मई को हमारा एक्सपायर होने वाला है। और ये इंश्योरेंस हमने लिया था 5000 में और फोर्स क्लोज ये अलग ऑप्शन है, बाद में बताऊंगा। कुछ फॉलो अप है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ये करने के बाद हम इसे सेव करेंगे और ये समझिए, चलिए सिंगल ही बताता हूँ पहले। ये मैंने यहाँ मल्टीपल ऑप्शन भी है पर हम सिंगल में ही चलेंगे। अब ये आपका जिसमें भी लेजर बनता है आप उसमें बना लीजिए और इसका जो भी पेमेंट है आप, अब देखिए दोनों चीज़ें अलग हैं, पेमेंट वाउचर अलग है और वहाँ पर जो सेटिंग किया है वो अलग है। ये करके हम सेव करेंगे। ये करने के बाद जब हम अपने इस रिपोर्ट में आते हैं, ये तो मैं एक और आपको दिखा दूँ साथ में, LIC प्रीमियम के बारे में बता दूँ। LIC यहाँ पर मैंने फिर यहाँ पर दिया, यहाँ पर मैंने LIC दिया और ये भी बताऊंगा कि 1/4 से ये इशू था और 30 को ये बंद होने वाला है 2000 का। ये सब करके मैंने सेव किया और 2000 का ये मैंने पेमेंट दिया LIC को। अभी करने के बाद जब अपने रिपोर्ट में हम आएंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप आपको बनाना है, वीजा है, पासपोर्ट है, LIC है, जो भी है आप यहाँ पर बनाइए। ये मैंने व्हाट्सएप मॉडल पर बनाया, मैं बताता हूँ कैसे मैं यूज करूँगा इसका। अभी यहाँ पर एक मैं यहाँ पर और आपको बना दूँ, DSC, ये क्या यूज है मैं बताऊँगा। अभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट एक्सपायरी में चलेंगे और आपको यहाँ ध्यान देना है कार इंश्योरेंस पे और LIC पे, ये दो मैंने यहाँ पर फिट किया है। अभी दोनों क्रॉस है यानी कि ये हमारा एक्सपायर हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपायरी मैंने 31 मई 2023 दिया था, तो ये अभी चल रहा है हमारा 5/5/2024, तो ये एक्सपायर हो गया। कार इंश्योरेंस को मैं यहाँ से चेंज कर दूँ, ये डेट ठीक गलत था, 1/5/2023 से 1/5/24 से 31/5/24 ये मैंने किया। तो देखिए ये हमारा कार वाला एक्टिव है, जो एक्टिव रहेगा वो ग्रीन टिक में आएगा, जो एक्सपायर हो जाएगा वो इतने में आएगा। तो इसे मैं इसे भी LIC को मैं करता हूँ सही। और अगर आज 5 मई है तो मैं बताऊँगा 30/4/24 को ये एक्सपायर हो चुका है, हो चुका है, मैं नहीं बतलाने वाला हूँ। इसे मैं थोड़ा सा डिले करता हूँ कि 10 मई 2024 में ये एक्सपायर होगा, ठीक है। तो ये यहाँ क्या दिखा रहा है कि ये जो रेड कलर से माइनस में आ रहा है, मतलब एक्सपायर हुए इतना दिन हो चुका है, रेड क्रॉस जो है वो एक्सपायर हो चुका है, ग्रीन टिक है जो अभी एक्टिव है। पर एक्टिव में भी क्या, ये 5 दिन में एक्सपायर होने वाला है, ये 26 दिन में एक्सपायर होने वाला है। तो अभी मैं चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पर एक मॉड्यूल को इनेबल करना है आपको, यहाँ से DSC एक्सपायरी मॉड्यूल, एक्सपायरी सून मैं यहाँ पर देता हूँ 10 दिन, एक्सपायरी सून 10 डेज मैंने दिया है। अभी रिपोर्ट में आएंगे, यहाँ पर आएंगे तो जो एक्सपायर हो चुका है अगर हमें वो देखना है तो यहाँ पर DSC टाइप फिल्टर मिलेगा, हम बताएंगे ये एक्सपायर्ड सून में जब क्लिक करेंगे तो हमने एक्सपायर्ड सून में 10 दिन दिया था, तो एक्सपायर्ड सून जैसे ही करेंगे तो 10 दिन के अंदर जो भी एक्सपायर होने वाला है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा।
अभी शॉर्ट एक्सपायरी डेट वाइज भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन टाइप जो एक्सपायर्ड हो गया हमें वो शो करें, इंटर करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो चुके हैं वो डॉक्यूमेंट शो होंगे, जो एक्सपायर नहीं हुए हैं वो नहीं शो होने वाला है। अभी शो ऑल करा देंगे, अभी नोटिफिकेशन टाइप में चलेंगे और ऑल लेंगे। यहाँ पर ये हुआ, हम अगर एक्सपायर अगर रिन्यू करते हैं, सपोज जैसे ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है, सपोज कीजिए ये 31/10 मई को एक्सपायर होने वाला था, सपोज यहाँ पर ये 4 मई ही था हमारा और ये एक्सपायर हो चुका है, तो यहाँ पर अभी डॉक्यूमेंट क्या बता रहा है, एक्सपायर बता रहा है। तो हम कस्टमर को कॉल करेंगे उसी दिन और जो भी फॉलो अप आएगा वो फॉलो अप ही वन आफ्टर 2 डे रिन्यूअल करके हमने सेव किया, तो फॉलो अप हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट इसका एक्सपायर है पर ये 2 दिन बाद फॉलो अप करना चाह रहा है। डेट भी हम लिख सकते थे यहाँ पर। अभी फॉलो अप के बाद अगर इसने फिर से एक्टिव किया तो हम इसे सेकंड प्लान फिर से देंगे और बताएंगे LIC का जो है नेक्स्ट, इसका 4 मई को एक्सपायर हुआ था और आज 5 मई है, तो इसने 6 मई से फिर से प्लान लिया है और ये 6 जून तक चलेगा। इस बार प्लान 3,000 का है और सेव कर लेंगे, तो ये प्लान आपका दूसरी बार भी देखेंगे। ये डेट का फिर से प्रॉब्लम आ गया, 6 जून, 6 मई, 6/5/24 और 6/6/24। तो यहाँ पर देखिए प्लान अभी एक्टिव हो गया इसी कस्टमर का, इसी का ये हमारा यहाँ पर एक्सपायर हो गया था, ये हमारा रिन्यू हो चुका है दोबारा। सेम पैरामीटर को भी आप बढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर है, पहले ही पैरामीटर को बढ़ाना तो पहले पैरामीटर को बढ़ाइए, सेकंड को बढ़ाना तो सेकंड वाले को बढ़ा लीजिए, आपके ऊपर है। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पार्टी है, मैं बना लूँ, क्रिएट करता हूँ मिस्टर ए। मिस्टर ए को हमने क्या किया कि हमने व्हाट्सएप मॉडल प्रोवाइड किया है। देखिए ये मैनेजमेंट और वाउचर एंट्री आप जो करते हैं दोनों सेपरेट है, वाउचर एंट्री आपका जैसा होता है वैसे करना है और यहाँ पर एक मेंटेनेंस का तरीका गया है, मैंने इसे व्हाट्सएप मॉडल इनेबल किया है 1/5/24 को, जो कि 31/1/4/24 को, जो कि 31/3/24 को एक्सपायर हो जाएगा और ये 38,000 का व्हाट्सएप मॉड्यूल है। साथ में मैंने इसे DSC मॉड्यूल भी दिया है जो कि 1 अप्रैल से ही चालू हुआ है, 1 अप्रैल 24 से, और 31/3/24 को, ये 31/3/25 को, सॉरी 1/4/24 से हुआ है और 31/3/25 यहाँ भी 31/3/25, और ये मॉड्यूल भी 2,000 का है। मतलब अगर एज सप्लायर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं मल्टीपल चीज़ें भी अपने पार्टी को दे सकता हूँ, मैंने व्हाट्सएप मॉडल दिया, मैंने DSC मॉडल दिया, और भी अगर मैं कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं वो भी दे सकता हूँ और डाटा को सेव करना है। और ये मिस्टर ए को हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिया है, ये तो गलती हो गई। यहाँ से हम मिस्टर ए को ओपन करेंगे और यहाँ पर संडे डेटर में भी हम ले सकते हैं, क्योंकि इसे बिलिंग भी करना होगा हमें, क्योंकि मैंने DSC प्रोवाइड किया, एक सेल बिल काट लेंगे उसके लिए, वो आप जैसे सेल बिल जनरेट करते हैं वैसे ही करना है। हमारे मॉडल में यहाँ पर देने के बाद आपको इस रिपोर्ट में जब चलेंगे तो मिस्टर ए आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो मिस्टर ए को क्या कर किया जा रहा है, दो मॉड्यूल चल रहा है, दोनों एक्टिव है, अगर ये एक्सपायर होगा तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट एक्सपायर में दिख जाएगा। और फोर्स क्लोज क्या है, मान लीजिए किसी रीजन से व्हाट्सएप मॉड्यूल जो है कस्टमर बीच में ही बंद कर देता है, मतलब कस्टमर को ये नहीं चाहिए, किसी भी रीजन से कस्टमर अब ये ऑप्शन नहीं चाह रहा है आपके पास, तो इसे आप फोर्स क्लोज कर सकते हैं, मतलब इसका एक्सपायरी तो अवेलेबल है पर कस्टमर अब इंटरेस्टेड नहीं है इस मॉड्यूल में, तो ये आपका फोर्स क्लोज मॉड्यूल हो गया। तो यस वाले को आपको नेगलेक्ट कर देना है, मतलब ये मॉड्यूल आप ये एक्टिव रहने के बाद भी कस्टमर अभी इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो आप इसे फोर्स क्लोज कर सकते हैं। बाकी फिल्टर वगैरह आप देख ही रहे हैं, पार्टी का फिल्टर भी आप लगा सकते हैं, जैसे मैंने मिस्टर ए का फिल्टर यहाँ पर लिया, ये किया मैंने, तो मिस्टर ए का ये फिल्टर हो गया, सारा फिल्टर देखना है, सारा फिल्टर दे सकते हैं। यहाँ से सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, कौन कौन सा एक्सपायरी होने वाला पहले तब कीजिएगा तो वो एक्सपायर्ड वाला ऊपर आ जाएगा। तो यही है, अगर ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नई वीडियो में नए ट्यूटोरियल, सब तक के लिए धन्यवाद।